लो बे छोरे, आखिरकार नमन सर की छुट्टियां आज खत्म हो ही गई भी। मारा प्लान आज पटियाला जाने का, नमन सर को उसके बोर्डिंग हाउस में छोड़ के आएंगे आज। बाकी के सारे काम तो लुगाई निपटान लाग रही थी भाई, मेरे जिम्मे थी। इस गाड़ी की सफाई काल सर्विस स्टेशन पर लेके गया था, पर लाइट नहीं पाई, थोड़ी अनपाट भी देखी, फिर बात नहीं बनी, भी आज खुद करनी पड़ेगी। गाड़ी साफ करने खातर पानी की बाल्टी भरी थी, इतनी नाम लुगाई का रुका आ गया, बोला चा सीढ़ी होगी, मैं चला जाता हूँ भाई, चाय पीने लग जाता हूँ। उसके बाद कुछ काम था ऑफिसियल, वो भी निपटा देता हूँ। लुगाई लाग रही थी बैग बुगा की साफ सफाई में। और 2 महीने में आज नमन सर ने अपना हॉलीडे होमवर्क देखा, मोबाइल पे केक के दे रखा था, बाहर पहुंच गया था अपना प्यारा सब्जी वाला भैया। ज्यादा सामान नहीं लिया, सिर्फ आलू लिया, प्याज लिए हैं, 2-3 नारियल लिए, नारियल सामने बेरा लुगाई का फेवरेट है भाई, छुलवा भी लिया नारियल साथ साथ। लुगाई सारा सौदा सट्टा लेके भीतर बढ़ जाती है, मैं मन जाता हूँ गाड़ी की साफ सफाई में। और बहुत मुंडा गाम पड़ा था भाई, कसूती गर्मी लगा थी, पसीना तर बतर हो गया था मेरा, जी तो निकल था साफ करने का, पर बाकी ओर जाना था भाई स्कूल के अंदर। सारे आदमी चमचमाती गाड़ी लेके आओगे, जब आप भूडी लेकर चले गए तो बेजती का नाश हो जाएगा। मखा कोई ना अजीत सिंह, इज्जत बड़ी कोई चीज नहीं भाई, मंडा रहता हूँ साथ साथ, नमन को भी लगा देता हूँ जो मैट निकाले थे, मगर नमन सारे मैटर चमका दे बेटा, अल्लाह कपड़ा करके इनको पोछा मार दे। लगभग 1-1.5 घंटे में गाड़ी जमा चमक कर तैयार हो गई थी, मैं चला जाता हूँ भीतर, मां सीढ़ा पानी प्यादे। लुगाई ने इनाम के तौर पर मेरे ठंडा नारियल दे दिया भाई, पाइप लगा के नारियल ने तरोताजगी दे दी। दही के अंदर में चला जाता हूँ, नहाने धोने नहा धो के अपने जोतपत्ती का प्रोग्राम कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद लुगाई से पूछता हूँ ब्रेकफास्ट में के माल बना रखा है। लुगाई ने बता दिया आज बना रखे थे भाई, पनीर के परांठे साथ में थे, दही और उसके साथ ही चटनी मखा, जी सा आ जाएगा भाई। नमन तभी पूछ ले कोई खास आइटम खाना हो तो नमन ने बुलाया है, फरमाइश दी इसलिए ये बनाए हैं। मैं तो मन जाता हूँ भाई परांठे की दही तोड़ने में, लुगाई ने नमन को काम लगा दिया, बोला बार बैग सुखा रखा भाई, तेरे जूते सुखा रखे, सारा सौदा भीतर लिया। उसके बाद बोले अपनी कॉपी किताब सब रेडी कर ले, बैग ने तैयार कर ले भाई। 2 महीने पहले नमन ने सारी कॉपी किताब लेकर दी थी, बीच में छेड़ी भी नहीं, छोरा न्यू की नहीं थी, धूल जम रही थी इनके ऊपर। बड़े ही भारी मन से भाई नमन अपना झोला पैक करने लग जाता है। दूसरी तरफ लुगाई लग रही थी उसके ट्राई बेल्ट ट्रम सुट्रम जूते जुराब सब की, मैं सारा सौदा बैग में पैक करने खातर आज पटियाला के टूर पे हमारे साथ जा रही है भाई। मेरी बड़े वाली साड़ी की एक फ्रेंड और हमारी सासू माता भी जा रही है, इसलिए पीछे वाली सारी सीटें खोल लेते हैं भाई, 9 सीटर बना देते हैं इसको। सब झोला झंडी बैग के अंदर रख के अपनी सारी सवारियों का गाड़ी के अंदर बिठा के सीधे पहुंच जाते हैं बड़े वाली साड़ी के घर पे भाई। साड़ी और उसकी फ्रेंड दोनों आके बैठ जाती है गाड़ी के अंदर। अब हम चले जाते हैं माता जी को बिठाने भाई, माता जी को भी बिठा लिया है, सबको राम राम करके निकल लेते हैं पटियाला के नाम के। सबसे पहले जाते हैं पेट्रोल पंप पे, मारते हैं अपना वो डायलॉग मखा भाई, हलाल आगे टंकी फुल कर दे भाई ने, टंकी फुल कर दी, 3500 रुपया का तेल है। उसके बाद चला जाता हूँ हवा चेक कराने, चारों टायर में हवा ओके करा लेता हूँ, रास्ते मिल जाते हैं गौ माता, रोटी लेके आए थे भाई, गौ माता को रोटी खिला देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और निकल लेते हैं आगे के सफर पे। बहुत ही प्यारे भजनों के साथ सफर का एंजॉय लेते हुए हम लोग जा रहे थे भी, तभी फोन आ जाता है एक बहुत ही प्यारे फॉलोवर को जो खन्नौरी से था, बोला जी रास्ते में घग्गर नदी का पुल टूटा हुआ है। मखा भाई फिर क्या करा, बोला जी मैं रास्ते में पा जाऊंगा, मेरी वरना गाड़ी है, वरना गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा लेते आगे आगे भाई, पीछे पीछे हम। बहुत ही भयानक मंजर था भाई, चारों तरफ पानी पानी भरा, तो कुछ टेम्परेरी बांध बना रखे थे गाँव वालों ने, वो भी टूट गए थे। और सुनील भाई ने हमें दूसरे घग्गर के पुल से घग्गर पार करवा दी थी, भाई का बहुत आभार करता हूँ। साथ में भाई ने हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक ला के रखी थी, कुछ स्नैक्स भी ला के रखे थे। मखा भाई साहब इसकी जरूरत नहीं थी, क्यों खाम का कष्ट किया आपने। भाई को बार बार धन्यवाद देकर आगे निकल लेते हैं। रास्ते में नमन सर ने बोला जी सुसु आया, रास्ते में गाड़ी रोक देता हूँ, नमन सर उतर लेता है सुसु करने के लिए, नमन के हाथ धुलवा देते हैं, वापस बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर, सफर को जारी करते हुए पहुंच जाते हैं हम लोग सीधे पटियाला। बहुत ही रॉयल शहर है, चारों तरफ बहुत ही रॉयल बिल्डिंग है, देखने में आनंद आता है, बहुत ही ज्यादा साफ सफाई और बहुत बढ़िया मौसम। सबसे पहले पहुंच जाते हैं हम लोग यादवेंद्रा पब्लिक स्कूल में, जहां नमन को ड्रॉप करेंगे। और नमन का जी बिल्कुल नहीं कर रहा स्कूल के अंदर घुसने का, बोला डैडी 5 बजे का टाइम, अभी 2 ही बजे, मेरे को पहले क्यों उतार रहे हो आप। कोई बात नहीं भाई, तू सामान रख ले, तेरे को साथ ले चलेंगे वापस, उसके बाद तेरे को 5-6 बजे छोड़ देंगे। यहाँ उतरते ही पता चलती है हमें अपनी ब्लंडर मिस्टेक में, जहां पर नमन पिशाब करने के लिए उतरा था वहां माता जी की एक चप्पल को उसने नीचे गिरा दिया, गाड़ी लेके हम लोग यहाँ आगे, माता जी की चप्पल वही छूट गई। अब लुगाई ने अपनी जूतियां माता जी को दी, बे नमन की जो सैंडल थी वो लुगाई पहन लेते, निकल लेते नमन का सामान रखवाने के लिए सारे आदमी हॉस्टल की तरफ। मखा नमन को छोरी दूसर लेकर जाना, उसने भी छोड़ने, इतने आदमी नहीं जाते जितने तने छोड़ना रहे हैं। नमन के पड़ोसी लड़के ने भाई बहुत बढ़िया स्टिकर लगा रखा था, देखो पढ़ के, तुम्हारे से पढ़ा जाए तो 1 नंबर की बातें लिख रखी है इसके अंदर। पहुंच जाते नमन के चेंजिंग रूम में, जहाँ पे उसकी अलमारियां थी, सारा सौदा सब टाइम
अलमारियों में लगाना था, लुगाई जुट जाती है सारा सौदा सट्टा अलमारी में लगाने के लिए, मैं उसको मना करता हूँ, मां रुक जा तू नमन न लाने दे। इसके बाद नमन हिंटोवा चुप करके जितना लगा दिए थे ये आइटम, हॉस्टल का सारा काम निपट गया था, सारे कपड़े लत्ते अलमारी में लगा दिए थे, उसके किताब कापी सब रैक में रख दी थी, निकल लेते हैं बाहर, पहुंच जाते जूतों की दुकान पे माता जी को चप्पल दिलवाने के लिए, पर यहाँ पे सिर्फ जूते ही जूते थे, चप्पल थी नहीं, फिर पूछते चप्पल कहाँ मिलेंगे, भाई ने रास्ता बता दिया दाएं बाएं होके, पहले वहां पहुंच जाओ वहां पे चप्पलें मिलेंगे, चले जाते उस दुकान में भी, लेकिन यहाँ भी जो साइज चाहिए था वो साइज नहीं मिलता। मैं कहा माता जी अब टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधे चलते इसके मेन बाजार में, नीलम को भी सूट शर्ट लेने थे, मैं कहा वहीं से सारे सौदे ले लेंगे। एक बड़े और भव्य गेट को पार करते हुए पहुंच जाते सीधे मेन बाजार के अंदर, भाई सबसे पहले हम लोग गाड़ी पार्क लगाते, फिर कुछ भूख सी लगी थी, नमन बोला जी अमृतसरी कुलचे खाऊंगे, चले जाते एक ढाबे पर, यहाँ पे कुलचे थे ही नहीं, यहाँ से निकलते दिख जाती है एक मिठाइयों की दुकान, वो भाई नए ताजे पकौड़े तरन लग रहा था, साथ साथ बनाने लग रहा था जलेबी, मकान नमन चला आड़े बैठिए माल खाते इनके बड़े वीआईपी के काटे का कुलचा में। लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा था, चाय का टाइम सारा का हो रहा था, चाय तो हमने पीनी थी, बैठ जाते थोड़े बहुत पकौड़े ऑर्डर कर देते, साथ साथ जलेबी ऑर्डर कर देते, और जलेबी के साथ ऑर्डर कर देते हम लोग घेवर। ऑर्डर करने में थोड़ी सी गलती कर दी, पकौड़े जो मंगवाए थे वो मंगवाए थे हमने अरबी के पत्ते के, आज से पहले हमने ये खाए नहीं थे, खा के देखा तो ज्ञान सा बना नहीं भी इसका, इसलिए हमने बाकी सारे आइटम तो संभाल दिए, भाई ये पकौड़ा बच गया, 2 मंगाए थे, एक तो फिर भी हमने नाना करते खाए लिया। अब इस पकौड़े वाले भाई को पेमेंट करके निकल लेते, बाहर निकलते हम लोग की रिक्शा पकड़ी, हमें जाना था अब कपड़ा बाजार में, जो यहाँ थोक की बाजार थी, सारे आदमी रिक्शा के अंदर बैठ लेते, भाई लेकर निकल लेता, हमें पहुंच जाता सीधा कपड़ा बाजार, यहाँ मिल जाती है एक अलग तरह की प्याऊ, भाई सेल्फ सर्विस प्याऊ थी, अपना पानी पियो गिलास दो और वापस गिलास में पानी भर के यही टेबल के ऊपर रख दो। इस थोक की कपड़ा मार्केट में से इन लोगों को लेने थे, भाई सूट सटा कपड़ा रटरम सटरम लेने थे, ये लोग लग जाते भाई, देखो एक आदमी स्पेशल लग रखे ना जूते जरा साइड में लगाने खातिर। अब मैंने माता जी को कहा कि माता जी आप लोग सूट शर्ट ले लो, मैं गाड़ी ले आता हूँ यहाँ पे पार्किंग से, क्यों खाम का रिक्शा थी भाड़ा देना भाई। माता जी ना भरती, बाहर जैसे निकलता एक बहुत ही प्यारा भाई मिल जाता है, जो बास का रहने वाला था, अपने मोर साहब थे यहाँ फौज में लगे हुए हैं, भाई के साथ आयो लगकर के फोटो खिंचवा के हम लोग रिक्शा पकड़ के पहुंच जाते सीधे पार्किंग पे। यहाँ आते ही नमन बोलता डैडी प्यास लगी हुई, हम चले जाते एक नींबू लेमन की रेडी पे 2 लेमन का ऑर्डर दे देते, और भाई लग जाता है बनाने में, कहा भाई मीठा मत घेर दिए, खाली नमकीन बनाई, नींबू ज्यादा घेर दिए, बर्फ थोड़ी कम रखिए, भाई ने चीनी का एक दाना भी नहीं घेरा, फिर भी एक कसूती मीठी हो रही थी, मैं थोड़ा लेमन है मीठा, भाई थी पेमेंट देकर चले जाते भाई, गाड़ी ठा लेते सीधे पहुंच जाते अपनी मार्केट में, कपड़ा मार्केट में, जहाँ हमारी टीम पटियाला के पूरे कपड़ा मार्केट को एक्सप्लोर करने में जुटी हुई थी। ये लोग बहुत सारी दुकानों पर घूम लिए, पर इनके मतलब का माल इनको कहीं नहीं मिला, भी लास्ट में इनको मिल जाती है एक दुकान, मैं और नमन तो यहाँ पे खेलने लग जाते हैं, और भाई ये लोग जुट जाते हैं खरीदारी करने में। पहुंचते ही भाइयों ने हमें पानी का गिलास ऑफर कर दिया भाई, पर इसके ऊपर इतना भारी चेपी चेपी हुई थी, पढ़ना ही मुश्किल हो गया था, यहाँ सिर्फ मैं और नमन इंजॉय ले रहे थे भाई, आपस में लातम लाता हो गया, बाकी सारे आदमी बिजी थे, कोई बेचने में बिजी था, कोई खरीदने में बिजी था, लुगाइया खातर तो न्यू समझ लो भाई, यह दुकान सुरुख का द्वार थी, इतने बाती बाती के यहाँ पे आइटम थे, अलग अलग कपड़ा था, अलग अलग रंग थे, सब लगा लगा दिखाओ थे, और यही यहाँ की खासियत थी, न्यू लगा के दिखाने से आपको थोड़ा बहुत पता लग जाता है ये रंग आपके ऊपर कैसा लग रहा है। यहाँ के जो सेल्समैन थे उनका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था भाई, व्यवहार भी बहुत ही अच्छा था, इसलिए हमने जम के यहाँ से खरीदारी कर ली, और इतनी जम के खरीदारी करी कि जो कैश लेके आए थे वो कम पड़ गया भाई, अब पेटीएम से पैसा दिया भाइयों को, भाई निकल लेते सारा सौदा सामान अपना रखवा लेते गाड़ी की डिग्गी के अंदर। और भाई जब मैं गाड़ी लेने गया तो लुगाई ने कुछ आइटम पहले खरीद कर दूसरी दुकान पर धरवा लिए थे, चली जाती है वहां से लेने के लिए, भाई को पेमेंट कर देते सारा सामान लेके आ जाते रख लेते गाड़ी के अंदर, सारी शॉपिंग पूरी हो गई थी, रात के बज गए थे 8, नमन को छोड़ने का समय आ गया था, बाय कर देते भाई, नमन बड़े भारी से दिल से बाय करने लग रहा है भाई, दिल में बहुत दर्द है उसके, और यहाँ एकदम से सीन बदल जाता है भाई, मन्ना छोड़ के सारे आदमी जितने भी गाड़ी में बैठे थे सब भावुक हो गए भाई, डां डां करके रोने लग गए सारे के सारे, मैं भी अपना सारा ध्यान गाड़ी चलाने पर लगा देता हूँ, माथा हम खाम का मन्ना और रुबाओगे, निकल लेते वापस भाई, मन्ना आने लग जाती है हड़के हड़के, नींद लुगाई नहीं बोली नींद उतारी, भाई इस गाना सुनकर नींद जमा सो सो कोस गई भाई, न्यू गाना बजाना करते अटखेलियां करते निकले जा रहे थे, सफर पास होने लग रहा था, रास्ते मिल जाती है फाटक बंद, मखा कितनी तावड़ कर लो भाई, ऊपर आने जब पहुंचाने जब पहुंचाओ भाई सीधे पहुंच जाते, ग्लोबल स्पेस आज का व्लॉग यही खत्म करते, सब बाण भाई ना जीत रहा, भाई के राम राम।